उमर रजी अल्लाह ताला की बात हो रही है, शराब दुरुस्त करने के लिए खुद उठते, लोगों ने अर्ज की आप न उठा करें। उस पर फरमाने लगे कि जब दुरुस्त करने के लिए उठता हूँ उस वक्त भी मैं उमर ही होता हूँ और बैठता हूँ उस वक्त भी मैं उमर ही होता हूँ, करीमा वक्त का। लेकिन फिर भी मेरी हैसियत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैंने खुद काम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात। ये अखलाक है, खुद काम करना ये अखलाक है। बाबू सरकार अपने घर का काम भी करते थे, कचरा भी बाहर फेंककर आते थे, घर वालों के साथ बेटी के साथ हाथ बटाते थे मेरे प्यार को। आज हमारे अंदर तकब्बुर हो रहा है कि हम घर वाली के साथ हाथ कैसे बटाएं, कैसे काम करें। नहीं, ये सुन्नत नबवी है। कभी कभी आप बेगम अगर खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है, आप थोड़ी देर खड़े हो जाए, आप उसको थोड़ा सब्जी काट कर दे, आप चूल्हे के बाद थोड़ी देर खड़े होके जरा उसको जो सालन का सालन उसको मिला के दिखाएं, गर्मी में थोड़ी देर खड़े होके दिखे कि वो बेगम या माँ हमारी बहन किस तरह खाना पका रही है, किस तरह गर्मी में वो झुलस रही है। कभी हम थोड़ा हिसाब तो डाल के देखें, कभी झाड़ू में, कभी सफाई में, कभी कपड़े धोने में, कभी कपड़े इस्त्री करने में हम हिस्सा डालें। ये अखलाक है, यही दीन है हमारा, इसी में हमें आजिज़ी पैदा होगी, इसी तरह हमारा ईमान मजबूत होगा। इसलिए कि ये सब कुरान है, कुरान पे अमल है, अल्लाह से मोहब्बत है, तभी हमारे अंदर इखलाक पैदा होंगे, वरना नहीं होंगे। इसी तरह आप घर में हिस्सा जरूर लें ताकि हम अंदर गुरूर तकब्बुर खत्म हो जाएगा, तो ये अखलाक का गुजारा होगा इंशाल्लाह।